नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके जो मस्से हाथों या पैरों या गले में हो जाते हैं, अगर आप थूजा मेडिसिन यूज करते हैं, जो नॉर्मली प्रॉपरली थूजा एक मेडिसिन होती है वॉट्स के लिए, तो अगर उससे आपको असर नहीं हो पाता है, तो कौन सी उसके अलावा होम्योपैथी मेडिसिन यूज करें जिससे आपके जो वॉट्स हैं या मस्से हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, उसी के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके मस्से को हमेशा जड़ से ख़त्म करने के लिए उपाय। जो मस्से होते हैं या फिर वॉट्स होते हैं, उन वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है हमारे शरीर में, उसकी वजह से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में मस्से उभरना शुरू हो जाते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाती है, छोटे छोटे से मस्से टाइप के हो जाते हैं, रफली भी होते हैं, कभी कभार गंदे भी देखने में लगते हैं, और कभी कभार दोस्तों चिकने भी होते हैं, जिनको छूने पर टच करने पर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट से हैं, निकले हुए होते हैं। दोस्तों, स्किन के कलर के ज़्यादातर होते हैं, जो स्किन का अपना जो कलर होता है उसमें भी कई तरीके से होते हैं, या फिर काले भी हो सकते हैं या फिर भद्दे भी हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये आपके चेहरे, गले या भी हाथ पैर या अंडर आर्म्स में, यहाँ पर सब जगह ज़्यादातर पाए जाते हैं, नेक पर भी पाए जाते हैं मस्से आपके, ज़्यादातर फेस पर और नेक पर ही होते हैं और हाथों पर भी होते हैं। दोस्तों, अक्सर आप जानते हैं कि वॉट्स जो होते हैं आपकी इम्यून सिस्टम पर वर्क करते हैं, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको बहुत जल्दी वायरस अटैक कर देगा और आपके शरीर में वॉट्स निकलना शुरू कर देगा, यानी ओवर ग्रोथ कर देगा। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कैसा होगा। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमको हर बीमारी जल्दी से जल्दी लग जाएगी और हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर पब्लिक प्लेस ज़्यादा होता है, मतलब जैसे डॉक्टर्स होते हैं या फिर पेशेंट के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, जिनको एक्जिमा की ज़्यादा शिकायत है, तो उनको ये सब दिक्कतें ज़्यादा निकलती हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वायरस होता है और ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट के थ्रू ही फैल पाता है, इसलिए आप शेविंग कराने भी जाते हैं तो आप देखते हैं जहाँ पर आपने शेविंग कराई और आप एक ही टॉवल या एक ही ब्रश का यूज़ करवाते हैं, तो आप उनके तक ज़्यादा देखें कि उनके मस्से एक से चार मस्से भी हो जाते हैं। दोस्तों, वो कॉन्टेक्ट भी हो जाता है कभी कभार। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आपको थूजा मेडिसिन यूज कर रहे हैं और थूजा मेडिसिन से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके साथ में कौन सी अल्टरनेट मेडिसिन जो हम बता देते हैं। दोस्तों, थूजा अगर आप 200 पोटेंसी में सवेरे शाम अगर यूज करते हैं, डायरेक्ट सवेरे खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद अगर दो दो बूंदे डायरेक्ट लेते हैं, तो दोस्तों उसके साथ में कॉस्टिकम भी 200 पोटेंसी में रात के समय आपको यूज करनी है। साथ ही साथ दोस्तों, कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में रात में सोते समय ले लेनी है। और दोस्तों, कॉस्टिकम में साथ में एक मैं और मेडिसिन बताना चाहता हूँ, जिससे अगर आप देखते हैं कि 20% लोग मस्से नहीं ठीक हो पाते हैं, उसमें क्या कारण होता है, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन बताता हूँ। दोस्तों, मेडोराइना 1 ml यानी 1000 पावर में आपको लेनी है, ये आपको वीकली लेनी है और सवेरे खाली पेट लेनी है। इसकी दो बूंदे आप डायरेक्ट टम पर सवेरे खाली पेट टपका लें, उसके बाद उसको भूल जाए, मतलब वीकली आपको लेनी है। दोस्तों, मेडोराइना 1 ml में कई ऐसे देखा गया है कि उस चीज़ को वायरस से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से थूजा और कॉस्टिकम वर्क नहीं कर पाती, उसके अलावा मेडोराइना बहुत अच्छा रिजल्ट निभाती। दोस्तों, इसी के साथ में एक और मैं मेडिसिन बताता हूँ, सल्फर। दोस्तों, थूजा, कॉस्टिकम और सल्फर का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, या फिर कह लें कि इनके जो साइन सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर मैच ही होते हैं, परंतु सल्फर में कई ऐसे गुण होते हैं जो जिसमें अगर आपको इचिंग होने लगती है, भद्दे होते हैं और ड्राइनेस हो जाती है, तो दोस्तों सल्फर उसके लिए वहाँ पर बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, सल्फर को 30 पोटेंसी में आप सवेरे खाली पे यूज करना है। दोस्तों, जब आपको मेडोराइनम यूज करनी, तो उस दिन थूजा सल्फर मेडिसिन खाली पेट नहीं यूज करनी, तो इसलिए थूजा सवेरे शाम, कॉस्टिकम रात में, मेडोराइनम वीकली मॉर्निंग में खाली पेट, और सल्फर सवेरे खाली पेट 30 पोटेंसी में। दोस्तों, ये जो चारों मेडिसिन है आपको लगातार यूज करनी है, और लगातार करने के बाद आप हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं कि आपके मस्से जो है कितने जल्दी ठीक हुए हैं और कितने जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई क्वेरी होती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और हम आपका उसका आंसर भी जल्दी से जल्दी दे सकूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल के बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो जो होते हैं वो आप तक पहुंच सकेंगे। मैं ऐसे ही नॉलेजबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तक
पहुंचाता रहता हूँ। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।